थैंक यू। शुक्रिया। शायद आप ठीक कह रही हैं आंटी, पूरी गलती मेरी भी है। गलती थोड़ी हुई है ज्यादा, लेकिन अगर घर टूटने लगे तो हथियार फेंक देने चाहिए, घर को बचा लेना चाहिए। जी, मैं एक माँ हूं, इसलिए माँ बनकर मशवरा दे रही हूं। अगर कभी कभार बीवी का मान और भरम रख लिया जाए तो घर की बुनियादें भी मजबूत हो जाती हैं। भी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शायद मुझे इस सिचुएशन को पहले हैंडल कर लेना चाहिए था। था कुछ नहीं होता सिवाय पछतावे के। असल उम्मीद तो है और होगा में होती है, तो फिर मैं कुछ उम्मीद रखूं? आंटी, आपका हुक्म सर आंखों पे। अभी मेरी 2-3 मीटिंग्स हैं, मुझे आई थिंक प्रॉब्ली 1-2 घंटे में आई विल बी फ्री, तो उसके बाद मैं आपके घर हाजिर हो जाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जहन पे बोझ मत बनाओ, नो प्रॉब्लम। ऑफिस का काम इत्मीनान से खत्म हो जाए तो फिर आ जाना मेरे घर, अपनी घरवाली को लेने। जी इंशाल्लाह। आंटी, आप पहली दफे मेरे ऑफिस आई हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, मुझे बहुत। बस बेटा, किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है मैं चलती हूँ। मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। आइए आइए आंटी, प्लीज। मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? इतना अच्छा रिश्ता आया था, बैठे बिठाए हाथ से निकल गया। अरे टल्ली, बदल लो अपनी इस आदत को। अरे जो चीज छिन जाए, जो वक्त गुजर जाए, उस पे रोना धोना शुरू कर देती हो। ना गुजरती उम्र का दुख जाता है, ना छोटी मोटी कमियां बर्दाश्त करती हो। मन्नान साहब, ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर असरा इसी तरह घर से दूर रही ना, तो फिर आपकी बेटी भी रिश्ते देखने आने जाने वालों का मुंह ही देखती रहेगी। अम्मी बस भी कर दे, आपने तो असरा की कमी को मेरी बदकिस्मती बना ली है, जिसकी वजह से हर नाकामी मेरी मुंतजर है। भाई ये जिंदगी है, यहाँ बड़े बड़े लोग मंजर से हट जाते हैं, लेकिन ना तो जिंदगी रुकती है और ना जिंदगी के फैसले। अरे ठीक कह रही है हाला, हैं? उसी से कुछ सीख लो और अपने ये छोटे दिमाग पे जोर मत डालो। कब होगी शादी? कब से रोना धोना डाल रखा है? भाई मेरी बेटी है, कब होगी, उसकी शादी कैसे होगी? तुम ना परेशान हो ना हमें परेशान करो, बस। ठीक है, कर ले अपनी मर्जी, मुझे क्या है। लोग बेटी भी आते हैं ना, तब भी बहू को देखते हैं, मिलना चाहते हैं उसे, ताकि घर गृहस्थी का पता चल जाए। लेकिन यहाँ तो ये आलम है कि दोस्ती बैर करके बैठ गई है। इसमें मेरी दोस्ती कहां से बीच में आ गई अम्मी? वहीं से, जहां से दोस्ती की जगह हसद और जलन ने ले लिया। बेटा अच्छा अखलाक बहुत काम आता है। देखो कौन कर रहा है अच्छे अखलाक की बातें। अच्छा अखलाक इस घर को ना, इस घर की ना इत्तफाकी ही ले डूबेगी। यहाँ मुझसे और मेरे किरदार से हटके किसी की नजर किसी और काम पे जाए तो बात बनेगी ना। तुम्हारे मुंह में खाक, ना इत्तफाकी ले डूबेगी, मुंह में आए बोलते चली जाती है। तू बैठ बेटा आराम से, कोई मसला नहीं।
अम्मा कहाँ चली गई थी आप? सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है बेटा। अम्मा सरवर साहब ने भी 4 फोन किए आपको, अब फोन ही नहीं उठा रही थी, कहाँ थी अम्मा? वक्त पे इंसान को क्या क्या दिखाता है। मैं बेटी की खुशियां मांगने गई थी, हम माओ को अंगारों पे चलना ही पड़ता है, बस मालिक की मर्जी है कि कब वो इन अंगारों को गुलजार बना दे। अम्मा क्यों गई थी वहां? नहीं जाना चाहिए था आपको। किसी और की जानिब से झुक जाने में तकलीफ नहीं होती। मैं अपनी बेटी की तरफ से झुक गई, बस अल्लाह सब खैर करे, बेहतरी करे। आमीन आमीन। अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। बोले? वो हाला के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, लड़का अच्छा कमाता है, बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी फूफो इस बात पे अड़ गई है कि वो बहू से मिले बगैर बात तय नहीं करेंगी। मैंने बात मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। देखो सुल्तान, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, असरा को अपने दायरे से नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन कभी कभी इंसान को बड़े फैसले करने पड़ते हैं, इसलिए अपना गुस्सा भुला के बहन के बारे में सोचो। तो बताओ क्या करना चाहिए? क्या बोलूं, आप लोगों की खातिर, हाला की खातिर कर लेता हूं कॉम्प्रोमाइज एक बार फिर। वो तो सास साहिबा आ गई, वरना मैं कभी नहीं चाहता अस्रा को लेने। फिर एक नया कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपकी खातिर, इस घर की खातिर। वैसे भी सासू मां ने आके कॉम्प्रोमाइज को बहुत आसान कर दिया है, क्यों ना इस घर पे भी अपने आसान की धाक बिठाई जाए।